बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला। यूं तो मधुबाला बड़े पर्दे पे खूब नाम कमाए, लेकिन इनका रियल लाइफ हमेशा दुखों से भरा रहा। आज इस वीडियो में हम अभिनेत्री मधुबाला का ही ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रोचक जानकारियां बताऊंगा। हमने पिछले वीडियो में आपको ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, अभिनेत्री रेखा, धर्म जी, राजकुमार, जितेंद्र, कई सारे अभिनेता का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी रोचक जानकारियां बताया। और मेरा दो चैनल है, एक जय जाधव ऑफिशियल और दूसरा दो बॉलीवुड किस्से। और आप मेरे इस दो चैनल पे आप फिल्मी किस्से ही बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री के रोचक जानकारी खास के ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो फिर भैया देर क्या, चलिए आज इस वीडियो में अभिनेत्री मधुबाला के रोचक बातें जानते हैं। बस नहीं 11 नहीं 12 कई सारे रोचक जानकारी आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अभिनेत्री मधुबाला का जन्म 14 फरवरी साल 1933 में भारत में हुआ था और वो अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। शायद ही आप जानते होंगे कि मधुबाला के पिता एक अफगानिस्तान के पश्तून थे और माँ ब्रिटिशी भारत की पंजाब प्रांत से थी। नंबर 2, बहुत ही कम लोग जानता है कि उसका असली नाम मधुबाला नहीं था। नंबर 2, बहुत कम लोग ही जानता है कि उनका असली नाम मुमताज जहां दहलवी था, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी एक नाम होता है और उनका नाम मधुबाला रख दिया गया था और लोग उनको मधुबाला के नाम से जानने लगे और उनका असली नाम मुमताज जहां दहलवी था, लेकिन लोग उन्हें मधुबाला कहकर बुलाते थे क्योंकि उनका मधुबाला नाम भी फेमस हुआ था। नंबर 3, यूं तो अभिनेत्री मधुबाला अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र से ही कर दी थी। जी हाँ, 1942 में आई फिल्म बसंत में उन्हें छोटे से रोल से फिल्मी दुनिया में कदम रखी थी। नंबर 4, अभिनेत्री मधुबाला 70 से ज्यादा फिल्मों में काम की है और सबसे ज्यादा उन्हें फिल्मी पर्दे पर दिलीप कुमार, किशोर कुमार, उस जमाने के महान अभिनेता के साथ देखा गया है। जैसे एक आज सुपरहिट फिल्म का नाम बता दूँ, 1949 में चलती का नाम गाड़ी, 1958 में मुगल ए आजम, ऐसे ऐसे उनका सुपरहिट फिल्म आया हुआ है। नंबर 5, अभिनेत्री मधुबाला अपने जमाने के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार साहेब, किशोर कुमार साहेब, इनके साथ कई फिल्मों में काम किए हैं। जैसे आपने फिल्म देखा होगा 1949 में आया महल, 1958 में आया चलती का नाम गाड़ी और 1960 में आया फिल्म मुगल ए आजम। आज भी इस फिल्म का जिक्र होता रहता है, फिल्म मुगल ए आजम का। नंबर 6, अभिनेत्री फिल्म मुगल ए आजम में अनारकली की किरदार निभाई थी, वही इनके साथ लीड रोल में दिलीप कुमार साहेब। नंबर 6, फिल्म मुगल ए आजम में अभिनेत्री मधुबाला अनारकली की किरदार निभाई थी और उस किरदार से अभिनेत्री मधुबाला बहुत ही फेमस हुई थी। लोग उनको घर घर या यूं कहें बच्चे बच्चे पहचानने लगे थे।
नंबर 7 अभिनेत्री मधुबाला 23 फरवरी 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। अभिनेत्री मधुबाला वो खूबसूरत अभिनेत्री थी जिनको लोग देखते ही। तो दोस्तों ये वो रोचक जानकारी जो मुझे याद था, हमने आपको बॉलीवुड की अभिनेत्री मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के बारे में बताया। तो ये भी जाता है कि आखिरी में किशोर कुमार साहब अभिनेत्री मधुबाला को अकेले साथ छोड़ दिए थे, क्योंकि आखिरी में अभिनेत्री मधुबाला के दिल में छेद हो गया था और इनसे किशोर कुमार साहब भी दूरियाँ बना लिए थे। ये अक्सर हमें इससे या आर्टिकल में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये तो ऊपर वाले ही जानेंगे। और आपको ये अनसुनी बातें रोचक जानकारियाँ कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।